हमेशा कहा जाता है कि तुमको मुंबई की बारिश बहुत पसंद है जी। अभी इंटरव्यू बाहर करने वाले थे हम लोग, लाइट के चक्कर में अंदर कर दिया। इतनी खूबसूरत लड़की है, रिफ्लेक्शन ये सब इस चक्कर में हम लोग यहाँ पे आ गए। मूड बना रहे थे आप। फिल्मी फीवर ये है फिल्मी फीवर। लड़की बहुत टैलेंटेड है। हाँ यार बहुत टैलेंटेड है, इतनी टैलेंटेड है, इतनी टैलेंटेड है कि खुद एक में पत्रकार बनी हुई थी एक सीरीज में। अभी बोल रही कि पत्रकारों में देख लूंगी, है ना। बहुत स्मार्ट डिसीजन है मेरे हिसाब से। नहीं वो बहुत, अरे वाह बहुत। कैमरा को देखे एक बार बोलिए। 23 सितंबर बोल लीजिए। 23 सितंबर। अच्छा गॉड क्या बताया आपने इसको अभी? ट्यूबलाइट। नहीं हाँ। देखो मैं तो अभी रिएक्शन नहीं आया सर, तुम तो फिर रिएक्ट कर गई। मैं इसका भाई को कुछ रिएक्शन चाह रहा था। ही इज बीइंग वेरी स्वीट टू यू। आई एम दिस इज टू मच फॉर मी टू टेक इन। आप बहुत जल्द सोचते हैं, लाइक फास्ट सोचते हैं और बात भी करते हैं। सो मैं रीड कर रहा हूं अभी। रीड कर रहा हूं। ये क्वेश्चन कुछ विचित्र टाइप का है। सनी देओल जी इस फिल्म में एक्चुअली मोटा मोटी कहानी क्या है ये तो बता दो। नहीं थोड़ा मोटा मोटी जो था हमने ट्रेलर में दिखाया। भाई बताएगा मोटा मोटी बता। ये एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर है और इसमें हम कहानी पूछ रहा हूँ। थ्रिलर से कोई लेना देना नहीं, अपन ऑडियंस है बाबा, पिक्चर देंगे पैसे देंगे। नहीं ये जो बता रहे वो सही है क्योंकि उतना ही बता सकते हैं। एक बेशक मोटा मोटी तो बताओ क्या होगा उसके अंदर, क्या होने वाला है। मर्डर होने वाला है, मर्डर होने वाला है बस। प्यार होने वाला, बहुत सारे मर्डर होने वाले हैं। प्यार है, मर्डर होने वाले बस। कोई एक मर्डर कर रहा है और कोई वो पता नहीं कौन है, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। करेक्ट। सनी बाजी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी पता नहीं, वो भी नहीं पता, नहीं कुछ भी पता नहीं। और कोई फूल बेच रहा है। करेक्ट। कोई जर्नलिस्ट है और कोई फूल खरीद रहा है और कोई किसी का मर्डर हो रहा है। कोई ज्ञान देती है और किसी का मर्डर हो रहा है। तो you know हमेशा कहा जाता है कि तुमको मुंबई की बारिश बहुत पसंद है जी। अभी इंटरव्यू बाहर करने वाले थे हम लोग, लाइट के चक्कर में अंदर कर दिया। इतनी खूबसूरत लड़की है, रिफ्लेक्शन ये सब इस चक्कर में हम लोग यहाँ पे आ गए। मूड बना रहे थे आप। सीरियसली जब आप फिल्म करते हैं, फिल्म देखते हैं, उसके बाद आपको मन करता है कुछ रिव्यू लिख दें, कुछ बोल दूं, कुछ स्टार दे दूं? ईमानदारी से बोलना। मैं ऑनेस्टली मैं बोलूँ, मुझे ना दिस इज अ बैड क्वालिटी और मैं इस गुड बॉय ओवरली अच्छा इमेज नहीं बना रहा हूँ, पर मुझे मोस्ट फिल्म लाइक आई फाइंड इट आई लाइक देम। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू। भाई मुझे भी कोई पिक्चर बुरी लगती ही नहीं है, मुझे तो लगती है जबकि मैं क्रिटिक नंबर 1 हूँ भाई, लेकिन मुझे लगती नहीं तो अब मैं क्या लिखूँ। फिर मैं लिटरली बैठ के सोचता हूँ क्या गड़बड़ किया इसने। मैंने तभी तो इतनी 9,000 साढ़े 9,000 फिल्में क्यों देखी मैंने, क्योंकि मुझे सब अच्छी लगती है, सभी अच्छी लगती है। आई लाइक मोस्ट फिल्म्स। और मैं रिसेंटली मैं एक फिल्म देख रहा था, एक इंग्लिश पिक्चर, और इसमें तो इट वाज द ट्रेलर वो सब वाज वेरी कि ये बहुत कॉमेडी पिक्चर है। वो सब मैंने कहा इजी वॉच, हम यू नो बैठ के देखेंगे मैं और मेरी वाइफ। सो पिक्चर वी फिनिश द फिल्म, उसके बाद I think couple of hours later I'm thinking which one actually it wasn't very good film, but ये भी gauge करना मुझे पता नहीं है। पता है which one, कौन सी पिक्चर है? I'm not taking names। बहुत तेज है भाई ये। English picture है, so I thought it was ना इससे मुझे थोड़ा कई बार शक होता है। That Netflix film like now with okay was that bad? Should I not say Netflix? I'm sorry। ना that doesn't चलता है, कभी-कभी होता है। तो अभी अगर स्टार की बात चल रही है, इसमें स्टार रेटिंग नहीं मिलती है, कम मिलती है, तो देखा कुछ बवाल हो रहा है इस पिक्चर के अंदर में। पूजा भट्ट हैं, सनी देओल हैं, श्रेया तो खैर सारी दुनिया जानती है, कमाल के एक्ट्रेस हैं। बोलने की जरूरत नहीं, फिर मैं बोल रहा हूँ इसलिए। थैंक यू मेरे लिए बोल रहे हो आप। आप जितने बार भी बोलो वो खुश होते हैं।